अस्सलाम वालेकुम। कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने फाइनल ऐलान किया है, जिसमें 14 जुलाई से लेकर 12 सितंबर के बीच में जो खादम के वर्कर्स हैं उन्होंने कंपनी में ट्रांसफर किया। टोटल आंकड़ा जारी किया गया, 55,000 लेबर ने अप्लाई किया खादम से शून में कंपनी में। जो भी खादम के लेबर वर्कर्स जो कुवैत में है, अब कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में, कहीं भी दुकान पर या कहीं भी जगह ऐसे काम करते हुए मिलेंगे खादम के आदमी, तो उनको फिंगर ब्लॉक करके कुवैत से निकाला जाएगा, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इतने ही लोगों ने ट्रांसफर किया है एकमा, बहुत से खादम के लोग बचते हैं अभी भी जो काम करेंगे, किसी न किसी वजह से उनका एकमा ट्रांसफर नहीं हो सका अहली में। तो बहुत से लोग बाहर काम करेंगे, तो काम करते हैं तो सड़क के नजदीक या सिटी के नजदीक में जो काम चलता है, जहां पर पुलिस आती जाती है, कभी भी अगर एकमा चेक करती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, या आने जाने के टाइम पे भी अगर कंपनी की गाड़ी में आते जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है बताकर चेक करने पर। इसीलिए ध्यान रखें आते जाते टाइम, या फिर कहीं काम करते हैं तो बाहर काम करने से बचें। इसके बाद अगली खबर है, कुवैत के अंदर निरीक्षण अभियान किया गया, कई मसने जो फर्नीचर लकड़ी का काम करने वाले, इसके साथ ही कई सारी दुकानें, कई गैराज बंद किए गए, टोटल 39 को बंद कर दिया गया फायर सेफ्टी को लेकर। कुवैत की खबरों में